हाय एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल आरतीज ब्यूटी हब। और मैं हूँ आरती शर्मा। फ्रेंड्स, मेरे पास काफ़ी टाइम से बहुत सारे कमेंट आ रहे थे कि आप अपनी टमी को कवर करने के लिए क्या यूज़ करते हो, आपके हाथों का रंग, आपके फेस का कलर एक है बट आपका टमी बहुत ज़्यादा वाइट है, ऐसा क्यों। और हाल फिलहाल में एक आधे कमेंट और ऐसे आ रहे हैं कि आप अपनी जो टमी है वो आर्टिफिशियल टमी का यूज़ करते हो, आपकी यानी स्टमक आर्टिफिशियल है, रियल आप यूज़ नहीं करते हो। तो मैंने सोचा कि भाई अब इस पर वीडियो लेके आना बहुत ज़रूरी है, आप लोगों की ये जो कन्फ्यूज़न है इसे क्लियर करना बहुत ज़रूरी है। सबसे पहले आज की वीडियो उनके लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होने वाली है जो अपने जो साड़ी पहनते हैं और अपनी टमी को कवर करना चाहते हैं। तो यस, ये वीडियो बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होने वाली है, इस वीडियो को एंड तक ज़रूर देखना। अब मैं आप लोगों को एक बात बता दूं, अगर आप लोगों को पता है तो बहुत अच्छी बात है, बट अगर आप लोगों को नहीं पता तो मैं आप लोगों को एक बात बता दूं कि मेरा एक और चैनल है जिसका नाम है ग्लैम सीक्रेट्स, एंड मैं उस पर ड्रिपिंग वीडियो लेके आती हूँ, काफ़ी अलग अलग तरीके की ड्रिपिंग वीडियो लेके आती हूँ। तो मैं जब ड्रिपिंग करती हूँ तो उस टाइम पे मुझे मैं कंफर्टेबल नहीं होती हूँ अपने टमी को अनकवर करके ड्रिपिंग करना। तो इसके लिए मैंने बहुत सारी चीज़ें यूज़ की थी जिससे मैं अपने टमी को कवर करूँ एंड इजीली तरीके से आपको ड्रिपिंग करके दिखाऊँ। क्योंकि मेरी एक वीडियो थी, आप लोगों को बहुत अच्छी लगी थी, आप लोगों ने बहुत सारा मुझे उसमें प्यार दिया था, तो मैंने सोचा कि बस अब मैं आप लोगों के लिए इसी से रिलेटेड वीडियो लेके आऊँगी। तो मैंने कुछ सोचा एंड जुगाड़ करना शुरू किया एंड मैंने अपने टमी को कवर किया एंड आप लोगों के लिए अलग अलग तरीके की ड्रिपिंग लेके आई थी एंड लेके आऊंगी भी, ठीक है। सबसे पहली बात कि जब मैंने ड्रिपिंग वीडियो बनानी शुरू करी थी तो उस टाइम पर मुझे ये ना अच्छा नहीं लगता था कि ऑन कैमरा मेरा टमी अनकवर है और मैं ड्रिपिंग करके दिखा रही हूँ। मैं बहुत डिसकंफर्टेबल फील करती थी, तो अपने आप को कंफर्ट करने के लिए मैं यूज़ करती थी। मैं आपको स्टार्टिंग से बता देती हूँ मैं क्या क्या यूज़ कर रही थी अपनी ड्रिपिंग को कंटिन्यू करने के लिए एंड ऑल्सो अपने टमी को कवर करने के लिए। तो सबसे पहले साइड में आपको इनकी पिक्स या फिर वीडियोज़ भी दिख जाएंगी छोटी छोटी सी। तो यस, मैं अपनी टमी को कवर करने के लिए स्टार्टिंग में जो यूज़ कर रही थी वो मैं यूज़ कर रही थी एक नॉर्मल टॉप, ओके, स्पैगेटी भी जिसे कहते हैं। पहली बात तो जितने भी मैंने फैब्रिक यूज़ किए अपने टमी को कवर करने के लिए, वीडियो बनाने के लिए, मैं उन्हें एक जगह कैरी करके रखती हूँ और इस तरीके के कैरी बैग में मैं रखती हूँ जिसमें मैं इजीली तरीके से जो भी मुझे फैब्रिक चाहिए होता है अपने टमी को कवर करने के लिए मैं वो निकाल लेती हूँ। तो स्टार्टिंग डेज में मैं ड्रिपिंग वीडियो के लिए जिस फैब्रिक का यानी जिस टॉप का स्पेगेटी का यूज़ कर रही थी वो है ये। आप ये ध्यान से देख लीजिए, इसमें मैंने बहुत सारी वीडियोस बनाई हैं एंड इसको जब मैं पहनकर बनाती थी तो मेरे पास काफ़ी सारे कमेंट्स आ रहे थे कि दी हमें ना ब्लाउज के साथ ड्रिपिंग करके दिखाया करो, हमारे कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं होते हैं, यानी हमारे टिप्स जो हैं आप जो टिप देते हो वो क्लियर नहीं होते हैं ब्लाउज वाले। तो मैंने सोचा कि क्या करूं ऐसा कि आप लोगों का भी काम हो जाए एंड मैं भी कंफर्टेबली आपको सिखा सकूं। तो इसके लिए मैंने एक बार ट्राई किया था, एक पतली सी स्पेगेटी थी वो इस टाइम पे मुझे मिल नहीं रही थी तो इसलिए मैंने अब मैं आपको दिखा नहीं पाऊंगी। तो यस, मैंने वो ट्राई किया था कि पहले मैंने स्पेगेटी पहना एंड ब्लाउज पहना एंड देन उसके बाद ड्रिपिंग करके दिखाया, बट वो मेरे लिए बहुत ज़्यादा झंझट का काम लगने लग गया था क्योंकि स्पैगेटी पहनने के बाद फिर ब्लाउज पहनो एंड वो ब्लाउज बहुत ज़्यादा टाइट हो जाता था और गर्मियों का टाइम होता था और उस टाइम पे जो फैन होता था वो भी ऑफ करके बनाती थी मैं ड्रिपिंग। तो यस, मेरे लिए बहुत ज़्यादा एक क्या कह सकते हैं एक टास्क की तरह हो गया था। तो मैंने कहा नहीं भाई, कोई और जुगाड़ ढूंढना पड़ेगा। फिर मैंने बहुत सोचा, आधी आधी रात हो जाती थी सोचते सोचते कि अब कौन सा नया जुगाड़ लाऊं कि मैं भी मतलब कंफर्टेबली आपको सिखा सकूं और आप भी वीडियो आपको मेरी तरफ से वीडियोस मिलती रहे ड्रेपिंग की। तब मेरे दिमाग में एक दिन एक ख्याल आया, मतलब मैंने एक सोची चीज़ कि क्यों ना स्पेगेटी को हाफ कट करके यानी अपने टमी एरिए को नाप के और उतना कट करके एंड फिर उसका यूज़ किया जाए। तो उस टाइम पर मैं लेके आई थी एक स्पेगेटी जो कि स्किन कलर की थी एंड वो बहुत अच्छे ब्रांड की थी, ब्रांड का नाम मुझे याद नहीं आ रहा, ठीक है। तो उसको मैं लेके आई और मैंने क्या किया कि उसको अपने एरिए मतलब टमी एरिए को मतलब बस्ट एरिए से इतने से लेके और नीचे तक
मेजरमेंट किया एंड कट कर दिया। उसके बाद मैंने, मैं आपको दिखा देती हूँ, उसके बाद मैंने क्या किया, यही है वो फैब्रिक जिसका मैं यूज़ करती थी, एक छोटी सी स्कर्ट टाइप की भी बन सकती है। ओके, तो मैंने क्या किया, यहाँ पे चौड़ी वाली जो इलास्टिक होती है उसको लगा दिया, और इससे क्या ये स्ट्रेची हो गया और ये काफ़ी अच्छे से ग्रिप बना देता था, मेरी कमर पे काफ़ी अच्छे से सेट हो जाता था। ओके, एंड यहाँ पर मैंने एक चेन लगा दी छोटी सी, मेरा बेटा जब बहुत छोटा था तो उसके लिए हुडी लेके आए थे हम, चेन वाली जैकेट जो होती है उसमें से मैंने वो चेन निकाल के और इसमें लगा दिया ऊपर, ताकि ये अच्छे से सेट रहे। तो इसीलिए ये जो छोटी सी सेफ्टी पिन होती है वो मैंने सेट किया, एंड उसको मैं यहाँ पे सेट कर देती थी। फिर उसके बाद ये जो चेन होती थी इसको इस तरीके से मैं सेट कर लेती थी, एंड जैसे जैकेट होती है सिंपली उसी तरीके से मैं लगा लेती थी, एंड इसको इस तरीके से बंद कर लिया। ये मेरे टमी पे काफ़ी अच्छे से सेट हो जाता था, स्ट्रेची हो जाता था। बट कुछ टाइम के बाद ना मुझे प्रॉब्लम होने लगी, क्योंकि ये ना ऐसा ऐसा सिकुड़ टाइप का जाता था, जो कि पीछे से ना बहुत भद्दा टाइप का दिखता था, गंदा टाइप का दिखता था। मुझे ऐसा फील हुआ कि भैया इससे तो बात नहीं बन रही है, कोई और जुगाड़ ढूंढना पड़ेगा। एंड फिर उसके कुछ टाइम के बाद मैं ऐसे ही अमेजोन पे सर्च कर रही थी, तो एकदम से मेरे सामने टमी टकर आ गया। ओके, टमी टकर का यूज़ योगा के टाइम पर या फिर एक्सरसाइज के टाइम पर किया जाता है, तो मैं उससे भी पतले फैब्रिक का देख रही थी कि कोई तो मिलेगा, बट नहीं, मुझे वो नहीं मिल रहा था। बट मैंने कहा चलो ठीक है, कोई नहीं, मैं एक बार टमी टकर को मंगा के देखती हूँ। तो मैंने फिर ये ऑनलाइन मंगवाया, इसका बाय लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, और अब मैं इसी को पहन के ड्रिपिंग करती हूँ। आप लोगों के काफ़ी कमेंट आए थे कि दी आप अपने टमी को कवर करने के लिए क्या करते हो, या फिर आपकी ये भी कमेंट थे कि दी हम अपने टमी को कवर करना चाहते हैं क्योंकि हमारा टमी एरिया काफ़ी डार्क है, और कोई भी ड्रेस पहनते हैं या फिर साड़ी पहनते हैं तो टमी एरिया बहुत डार्क दिखने के कारण हमें अच्छा नहीं लगता है। तो मैंने सोचा कि भाई चलो आप लोगों के लिए लेके ही आ जाती हूँ ये वाली वीडियो, ताकि आपकी भी हेल्प हो जाए और मैं भी बता सकूँ कि भाई मैं कोई आर्टिफिशियल टमी का यूज़ नहीं करती हूँ, मेरी अपनी रियल टमी है, बट उसको कवर करने के लिए ताकि मैं कम्फर्टेबली वीडियो बना सकूँ, तो इसीलिए मैं ये वाली टमी टकर का यूज़ करती हूँ। ओके, ये मैंने गलती से स्मॉल साइज़ मंगवा लिया था, जो कि मेरे को सही से फिट नहीं बैठ रहा था, और बुद्धि मेरी देखो, मतलब मेरा दिमाग देखो कि मुझे इसे रिटर्न करना था, मैंने रिटर्न ना करके मैंने इसको नीचे से कट किया, अपने साइज़ का बना लिया, एंड फिर इसको मैं यूज़ कर रही थी। ओके, ये बैक साइड पे इस तरीके से थोड़ा मिल जाता है, जिससे आपकी जो बम एरिया होता है बहुत अच्छे से सेट हो जाता है। इसमें ऑल्सो एक और था पैंटी टाइप का जो होता है वो भी मिल रहा था, बट मुझे इस तरीके का हाफ निक्कर टाइप का चाहिए था, जो कि काफ़ी कंफर्टेबल रहता है। ओके, बट इसमें एक छोटी सी चीज़ है जो मुझे अच्छी नहीं लगती, कि बहुत ही जल्दी इसमें बबलिंग आ गई, आप ये देख सकते हैं, ये ना बबलिंग टाइप की आ गई है, रोएं से उठ गए हैं, तो ये चीज़ मुझे अच्छी नहीं लगती है। ठीक है, वीडियो पे तो चलो नहीं शो होता है, बट अगर आप रियल लाइफ में इसे पहनना चाहो और पहन के कहीं बाहर जाना चाहो तो आप नहीं जा सकते हो, क्योंकि उससे क्या होगा, आपका जो टमी एरिया के पास ना इस तरीके की रोएं और बबलिंग दिखाई देगी, बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगेगा। तो यस, इसका एक यही मुझे पॉइंट है जो थोड़ा नेगेटिव लगा, अदरवाइज ये बहुत ही कम्फर्टेबल है और काफ़ी अच्छे तरीके से आप इसको पहनने के बाद भी ड्रिपिंग कर सकते हैं। एंड एक चीज़ और, गर्मी के टाइम पर ये थोड़ा सा मतलब टाइट होने के कारण आपको थोड़ी सी गर्मी एक्स्ट्रा लग सकती है, बट फिर भी ये बहुत कंफर्टेबल है, और इसको ही पहनने के बाद अब मेरी सारी वीडियोस लाइव होती हैं, मैं पहन के दिखा पाती हूँ ईजिली तरीके से। तो यस, ये है मेरी रियल टमी का राज, मैं कोई आर्टिफिशियल टमी का यूज़ नहीं करती हूँ, मेरी रियल टमी है यार, और उसको कवर करने के लिए बस मैं इसका यूज़ करती हूँ, जिसका बाय लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। मैं कोशिश करूँगी कि इससे भी अच्छे फैब्रिक के टमी टकर को लेके और फिर उसका रिव्यू आप लोगों के साथ करूँगी। अगर आप लोग परचेज करना चाहते हो तो इसका बाय लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, और इन फ्यूचर अगर मुझे इससे भी अच्छे फैब्रिक वाला टमी टकर मिल गया तो उसका मैं बताऊंगी ज़रूर, रिव्यू ज़रूर दूंगी अगर आप लोग कहोगे तो, और डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक भी ज़रूर आपको दूंगी। तो यस, आज की वीडियो इसी पर थी, आई होप आप लोगों को अच्छी लगी होगी, एंड अगर आप इस तरीके की कोई चीज़ ढूंढ रहे हैं तो ये वीडियो आपके लिए
बेनिफिशियल साबित हुई होगी। एंड ऑल्सो ये वीडियो आप जरूर शेयर करना सबके साथ, क्योंकि कोई ऐसा है जिसको इस टमी टकर की ज़रूरत हो सकती है, तो ये वीडियो उसके लिए बहुत अच्छी साबित हो सकती है। एंड ऑल्सो अगर आप मेरे चैनल पे फर्स्ट टाइम आए हैं और मेरा चैनल आपने फर्स्ट टाइम देखा है, तो आप मेरे चैनल को मेक श्योर सब्सक्राइब ज़रूर कर दें। अभी तक के लिए इतना ही, मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में। एंड आपने अगर मेरा फर्स्ट चैनल अभी तक नहीं देखा है, जो कि है ग्लैम सीक्रेट, जिसपे मैं ड्रिपिंग वीडियो लेके आती हूँ, वो नहीं देखा है, तो इस वीडियो के एंड में उसका लोगो आएगा, उसे जस्ट आपको क्लिक करना है और आप मेरे फर्स्ट चैनल ग्लैम सीक्रेट पे चले जाएंगे। आप जाके वहाँ देखिए, मेरी काफ़ी सारी ड्रिपिंग वीडियो आपको मिल जाएगी। और अभी तक के लिए इतना ही, मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बाय।